हेलो एवरीवन, मैं हूँ पार्थ और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही अच्छी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। DLF के एक्सक्लूसिव फ्लोर्स वाले एरिया में बने हुए हैं। ये हमारे प्राइवेट बिल्डर के हैं, इंडिविजुअल फ्लोर्स बने हुए हैं, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स, जो कि आपके पूरे एरिया में बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है। 24/7 की आपकी गेटेड सोसाइटी है जहाँ पर आपकी सिक्योरिटी होती है। प्लस पॉइंट क्या है कि पार्क फेसिंग चीज़ है, तो आपके सामने बहुत ही सुंदर सा एक पार्क है, बिल्डिंग इजीली नहीं आनी है। और सबसे बढ़िया बात इसकी, पूरा का पूरा ये जो गेटेड सेरेनिटी है पूरी की पूरी DLF की है। DLF की बहुत ही कुछ कम पॉकेट्स हैं जो कि ऐसी डेवलप्ड हैं एंड प्लॉट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आपके फ्लोर्स बने हुए हैं। 270 स्क्वायर यार्ड्स में आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल सी 3 BHK प्रॉपर्टी, अच्छी वेल लेड ऑफ, एंड आपका जो ओवरऑल लेआउट प्लान है इसका बहुत अच्छा है बिल्डिंग का। तो आइए आज हम देखते हैं हमारी ये सुंदर सी DLF की एक्सक्लूसिव फ्लोर्स की 3 BHK की बहुत ही प्यारी सी इन्वेंट्री। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टी के अंदर दिखाने से पहले इसकी एलिवेशन दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छी आजकल के जो ट्रेंड में चल रही है वो वाली पूरी एलिवेशन डिज़ाइन है इसकी, एंड CNC के साथ साथ स्टोनिक्स का काम अच्छा हुआ हुआ है। ब्लैक एंड ग्रे फिनिश में पूरी थीम चल रही है विद PVC पैनलिंग। इसमें बहुत ही अच्छी लूअर स्टाइल पैनलिंग हुई हुई है थ्रू आउट, जो कि इसको बहुत ही अच्छा आपका वुडन प्लस स्टोन का अच्छा लुक दे रही है। आइए हम चलते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। गेट्स देखें, पूरे के पूरे मेटल में ही डिज़ाइंड है ये आपके, मेंटेनेंस फ्री। एक तो डोर्स होते हैं काफ़ी हैवी डोर्स लग रहे हैं ये, एंड फिनिशिंग वाइज भी काफ़ी अच्छी लूअर्स एंड पैनलिंग्स वाली पूरी की पूरी इसमें लुक एंड फील आ रही है। स्टिल पार्किंग में अभी थोड़ा काम चल रहा है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, तो सीधा हम स्टिल पार्किंग से ही चलते हैं हमारे फ्लोर के अंदर, जिसमें सारी मैं आपको डिटेलिंग्स बताऊँगा। अब हम आगे हमारे फ्लोर के ऊपर लिफ्ट, अगर मैं आपको बताऊं तो कोने की 8 persons वाली इसमें लिफ्ट इंस्टॉल है, पूरी की पूरी SS फिनिश के लिफ्ट है, एंड लाइट्स भी काफ़ी इसमें फैंसी एंड लेटेस्ट मॉडल ही लगा हुआ है, इंस्टॉल्ड है। फ्लोर की एंट्री गेट देखें, अच्छा डिज़ाइनर एंड प्रीमियम क्वालिटी का पूरा डोर लगा हुआ है विद वीडियो आपका डिजिटल डोर लॉक के साथ। फॉयर एरिया में अभी हम खड़े हुए हैं, अच्छा खासा डिज़ाइंड है। जैसे मैंने आपको बताया है हमारी ये 270 स्क्वायर यार्ड्स की प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से इन्होंने सिर्फ इसमें 3 BHK ही बनाया है, ताकि हमारे रूम साइजेस में और ओवरऑल जो यूटिलिटी एरिया है और बाकी सारी जगहें हैं उसमें साइजेस में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो जैसे अगर हम बात करें ये फॉयर एरिया जो है, इसमें आपका डाइनिंग सेक्शन भी अच्छा डेवलप हो सकता है, जो कि एज़ पर बिल्डर, क्योंकि किचन से डायरेक्ट एक्सेस है इस एरिया की। अप्रॉक्सीमेटली आपका 250 से 350 स्क्वायर फुट का ये आपका लिविंग एरिया है, जो कि फॉयर एरिया भी है। एक वॉल पे आपका पूरा POP डिज़ाइनिंग हुई हुई है, इसमें POP के ग्रूव्स कटे हुए हैं, एंड ये पूरी की पूरी इसके पीछे शाफ्ट की वेंटिलेशन है, एंड विंडोज़ एंड डोर्स एंड विंडोज सारे में उन्होंने हाई ग्रेड मेटल के ही यूज़ किए हुए हैं, तो क्वालिटी वाइज प्रीमियमनेस पूरी है एंड ब्रांडेड भी हैं चीज़ें, तो ड्यूरेबल भी आगे फ्यूचर में रहेंगी। इसी हॉल से कंटिन्यू हम आगे वाले ये वाला सेक्शन देखें तो अच्छा, काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल साइज़ है। अप्रॉक्सीमेटली 160 स्क्वायर फिट का ये आपका एरिया हो जाता है, इसमें आप अपना लाउंजर लगा सकते हैं। ये वाली हमारी TV वॉल डिज़ाइन हो सकती है, और अगर TV वॉल नहीं भी बनानी है आपको तो यहाँ पे अपना एक लाउंजर या सोफ़ा रखकर इसको सिटिंग एरिया भी बहुत अच्छा डेवलप आप कर सकते हैं। अटैच्ड ही हमारी फ्रंट की बैल्कनी भी है, अगेन सेम हाई ग्रेड मेटल की आपकी सारी की सारी एल्यूमिनियम की डोर्स एंड विंडोज सारी इसमें यूज़ हुई हुई हैं। फ्रंट में बैल्कनी का एक्सेस आपका फ्रंट हॉल से भी है, किचन से भी है जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, एंड हमारा रूम से भी डायरेक्ट एक्सेस है।
बालकनी अच्छी कंफर्टेबल साइज़ की है, अप्रॉक्सीमेटली 5.5 फुट की वाइड आपकी बालकनी हो जाती है। एंड एरिया वाइज अगर हम इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं 150 से 250 स्क्वायर फुट की हमारी ये लेंथ में पूरी बालकनी रन हो रही है। वॉल्स पे देखें एंड ऊपर रूफ पे देखें तो पूरा का पूरा शाइनी मेटल फिनिश का आपका सारा ग्रे एंड ब्लैक के थीम में स्टोनेक्स इन्होंने करवाया हुआ है। एसी यूनिट्स आपके यहाँ पे अच्छी तरीके से हैंग हुए हुए हैं जो कि आपके डेकोर को और ओवरऑल लुक एंड फील को नहीं ख़राब कर रहा है। सीएनसी का काम इन्होंने काफ़ी किया हुआ, जैसे हम देख सकते हैं पूरी की पूरी हाई ग्रेड मेटल की ही आपकी पूरी सीएनसी रन हो रही है। एंड ऊपर में आपकी पैनलिंग लूवर स्टाइल में पूरी की पूरी पैनलिंग रैप्ड है। मैं आपको इसका रूम नंबर 1 बता देता हूँ, बट इसमें थोड़ा सा अभी सामान काम चलने लग रहा था, थोड़ा इन्होंने सामान रखा हुआ है। ये मेश डोर्स आए हुए हैं, पैक्ड हैं अभी और 2-4 दिन में पूरे के पूरे इंस्टॉल्ड हो जाएंगे, क्योंकि मेश डोर होना काफ़ी ज़रूरी होता है जो फ्रंट की स्पेशली विंडोज़ होते हैं, नहीं तो आप गर्मियों में या जब वेदर अच्छा है आप इसको कभी ओपन कर ही नहीं पाएंगे अगर सिर्फ ग्लास डोर होगा तो। फ्रंट वाले रूम में आ गया है हमारा, अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं आपको इसका साइज़ बता दूँ तो 13x10 से 11 फुट के आसपास का हमारा ये अच्छा कंफर्टेबल साइज़ का रूम हो जाता है, अंदाजे से 140 स्क्वायर फिट के आसपास का इसका साइज़ है। वार्डरोब्स देखें, अच्छी रस्टिक मेटालिक फिनिश की इन्होंने वार्डरोब्स डिज़ाइन की हुई हैं, सारी अच्छी प्रीमियम ब्रांडेड ही सारे के सारे इनके इंस्टॉलेशन एंड हार्डवेयर लगे हुए हैं। हैंडल भी देखें तो मैट ब्लैक फिनिश में इसका पूरा हैंडल है। बेड साइड बैक देखें, अगर वॉल बैक देखें, हम अभी थोड़ा सा सामान रखे इसलिए पूरी प्रॉपरली विजिबल नहीं है, बट इस पर भी अगेन ग्रूविंग का ही काम हुआ है जो कि बहुत ही सटल और डिसेंट आजकल लगता है। अब हम बात करें इसके वॉशरूम की, तो इन्होंने अरमानी बेज एंड चॉकलेट ब्राउन थीम में इसको पूरे को रन किया है नीचे में, जो पूरा थीम चल रहा है वॉशरूम का। अच्छी ब्रांडेड आपकी सेरेमिक्स एंड सारी की सारी हेल्थ फॉसेट्स से लेकर सारे जितने फॉसेट्स हैं सारे आपके प्रीमियम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। अब फॉयर एरिया से अगर हम एंटर करते हैं हमारे बाकी दोनों रूम्स के टूवर्ड्स, तो लेफ्ट एंड राइट में दोनों पीछे में रूम्स बने हुए हैं। ये वाला हमारा सबसे बड़ा रूम है यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का, अप्रॉक्सीमेटली 175 स्क्वायर फिट में हमारा पूरा रूम डिज़ाइंड है। साइज़ वाइज एंड डायमेंशन वाइज अच्छी इन्होंने पूरी की पूरी लेआउट डिज़ाइन करी है। ऊपर देखें डाइकिन का ही इसमें AC भी इंस्टॉल्ड ऑलरेडी है। वॉशरूम के टूवर्ड्स जाएँ तो सेम आपका बेज एंड ब्राउन ही आपका एक थीम रन हो रहा है, अगेन फॉसेट्स एंड सेरेमिक्स सारे के सारे ब्रांडेड है, प्रीमियम ब्रांडेड फिटिंग्स लगाई हुई हैं। वार्डरोब्स में अभी इसमें लाइट इंस्टॉलेशन अभी बाकी है, अदरवाइज वैसे बता दूं आपको पूरी की पूरी ग्लास एंड ग्लास शटर्स की पूरी वार्डरोब है एंड एल्यूमिनियम की इसमें फ्रेमिंग पूरी की पूरी रन हुई हुई है जो कि गोल्ड फिनिश की है। अब हम चलते हैं हमारे रूम नंबर 3 के टूवर्ड्स, अगेन साइज वाइज कोई इशू नहीं है, जिस सेगमेंट की हम प्रॉपर्टी कवर कर रहे हैं उसके हिसाब से इन्होंने सारी चीज़ें ही ऑलमोस्ट जैसी एज पर मार्केट स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए वो वैसे ही इन्होंने डिज़ाइन करी है। रूम साइज अगेन सफिशेंट है, अप्रॉक्सीमेटली 155 से 160 स्क्वायर फिट का पूरा आपका ये रूम डिज़ाइन है। बेड साइड बैक देखें, अच्छा POP में ही काम करवाया हुआ है। वार्डरोब देखें तो एक आपके फ्लशन वार्डरोब इसको बोलते हैं, फ्लशन वार्डरोब है एंड पूरी की पूरी मॉड्यूलर फिनिश की आपकी ये वार्डरोब्स हैं। कंपनी फिटेड वार्डरोब्स होती हैं क्योंकि ये जो प्रेसिंग होती है ये यहाँ पे लोकल कोई कारपेंटर नहीं कर सकते हैं, तो कंपनी से ही इसके शटर्स भी डिज़ाइन होके बन के आते हैं। लाइट्स अभी इसमें इंस्टॉलेशन बाकी है, उसके बाद और अच्छी लुक एंड फील आएगी। वॉशरूम में आ जाते हैं तो कंप्लीट इसमें आपकी चॉकलेट ब्राउन कलर की थीम चल रही है सारी की सारी एंड बाकी सारे फॉसेट्स एंड जो मैं आपको बताया था सेरेमिक्स वगैरह आपके सेम ही रन हो रहे हैं, सारे प्रीमियम एंड ब्रांडेड चीज़ें हैं। दोनों रूम्स के साथ ये जो बैक साइड पे रूम्स हैं दोनों में ही आपकी बालकनी ऑलरेडी ही इनमें अटैच्ड है। अच्छी लुक एंड फील आती है अभी फ़िलहाल, नीचे में ब्लैक ग्रेनाइट रन हो रहा है एंड वॉल्स पे सेम आपका स्टोनेक्स ग्रे एंड ब्लैक फिनिश ही कम्प्लीट इसमें चल रही है। आइए अब हम हमारे फ्लोर के अंदर वापस चलते हैं, फटाफट से इसकी मैं आपको किचन और कवर करवा देता हूँ क्योंकि किचन मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट लगी है एज पर दी थीम। अच्छा काम हुआ हुआ है, सारा का सारा मॉड्यूलर है। किचन में एंटर करते ही काफ़ी अच्छा आपका लुक एंड फील आ रहा है,
एक तो पूरी की पूरी किचन इंग्लिश एंड रोमन डिज़ाइन में पूरी की पूरी डिज़ाइंड है। पहले ये मेम्ब्रेन फिनिश इसको बोलते थे, क्योंकि मेम्ब्रेन में आपकी प्रेसिंग होके आपकी कबट्स के ऊपर लगती थी। अब क्या हो गया है, कंपनी फिटेड के हिसाब से इसमें इंग्रेविंग एंड एम्ब्रोजिंग आने लग गई है। ये आपकी शटर्स में ही देखिए, बहुत ही अच्छी प्यारी ग्रे एंड वाइट की आपकी बेज के साथ मिक्स होती हुई इसकी फिनिशिंग दी है, जो कि बहुत कम लोग देते हैं आजकल। थोड़ा सा सीधा सीधा प्लेन डिज़ाइन चलने लग गया, बट हाँ ये वाला भी आपका जब मिक्स करते हैं हम न्यू डिज़ाइन को, मॉडर्न डिज़ाइन को कंटेम्प्रेरी पुरानी चीज़ों से, तो आपकी बहुत ही अच्छी लुकिंग फील आती है। मेरे को पर्सनली इस टाइप की चीज़ें पसंद है। ये देखिए जो ग्लास शटर्स भी हैं प्रॉपर, जैसे पहले फ्रेमिंग वाले आते थे, बट इसके साथ साथ अंदर में जो ग्लास दिया है ये भी आपका एम्ब्रोजिंग वाला ही ग्लास दिया है। 3 फीट की आपकी चिमनी एंड हॉब है, जेस्चर कंट्रोल वाली इसमें चिमनी लगी हुई है, कैफ की ही है सारी की सारी। अगेन ब्रांडेड चीज़ें हैं, प्रीमियम चीज़ें हैं। वॉशिंग एरिया प्रॉपरली डिज़ाइंड है आपका, ब्लैक ग्रेनाइट फिनिश में आपकी इसमें स्टोन दिया हुआ है। एंड इसी से आपका यूटिलिटी एरिया भी है किचन में से ही, जो कि फ्रंट बालकनी में खुलता है, कि अगर कोई मेड है, कोई सर्वेंट है, कोई आपका हेल्पर है, अगर कुछ वॉशिंग करके कुछ अगर आगे में बालकनी यूज़ करना चाह रहे थे, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, लिविंग रूम के बीच में से नहीं जाएगा, ना उसको बेडरूम से जाने की ज़रूरत है, किचन से डायरेक्ट ही वो फ्रंट में एक्सेस ले सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड जिसको भी रिक्वायरमेंट है उनको प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। कोशिश करता हूँ मैं नई नई प्रॉपर्टीज़ जो आप लेके आऊँ, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज़ भी रहें आपके लिए, एंड आपके लिए वैल्यू फॉर मनी डील्स भी रहे। डील्स हमारी जो होती हैं ऑन टेबल एक बहुत ही अच्छे रीज़नेबल प्राइस पे होती हैं, मार्केट रेट्स के हिसाब से ही हम भी आपको पिच करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट इन क्लास पूरी की पूरी आपको ये डील पड़े। आज हमने ये जो फ्लोर देखा है, इंडिपेंडेंट फ्लोर हमारा लग्जरी फ्लोर के सेगमेंट में आता है, DLF की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, प्राइवेट बिल्डर ने बनाई है, एक्सक्लूसिव फ्लोर्स के नाम से पूरा का पूरा इसका ये एरिया है। आसपास विसिनिटी में चेक करें तो सारे हमारे हाई राइज भी आती है, और जो रोड है पूरी की पूरी DLF का क्लब भी उस रोड पे आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपकी प्राइम एरिया की प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट लिंकेज टू आपकी गोल्फ कोर्स रोड भी है, 24/7 का आपका सिक्योरिटी भी है, आसपास में सारे के सारे आपके अच्छे हाई एंड इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास स्कूल्स भी हैं। और पार्क देखें तो बेस्ट इन क्लास आपका सोसाइटी का पूरा पार्क है, फुली डेवलप्ड पार्क है, और आसपास के रेजिडेंसेस भी जो हैं सारे के सारे क्लासी एंड आपके अच्छे सेगमेंट के ही सारे के सारे इसमें सेक्शनिंग हुई हुई है, और लोग भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो अगर आपको ये फ्लोर पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, एंड विज़िट के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, आप मेरे दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और जो हमारी कंपनी है धींगरा बिल्डवेल, ये इस टाइप के काफ़ी अच्छे अच्छे हमारे और भी लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि फ्लोर्स हो गए, हमारे प्लॉट्स हो गए, कमर्शियल चीज़ें, आपको कोई भी रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो हमारी कंपनी आपको प्रॉपर तरीके से उसको रिक्वायरमेंट को मीट करती है, और हम आपकी कराते हैं एकदम फेयर डील प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही मैं लेके आऊँगा बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें और भी आप तक पहुँचाने के लिए। तब तक कुछ भी आपके रिव्यूज़ हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर।